This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। अब आपने इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स को तो देखा होगा, ऐसे ही इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे उन्हें फैरो बोला करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे राजा बोलते हैं, इजिप्ट में उन्हें फैरो बोलते थे। तो आज हम लोग इजिप्ट के एक ऐसे ही महान राजा के बारे में, महान फैरो के बारे में, जिनका नाम था तूतनखामून, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब तूतनखामून की जो मम्मी थी, अब मम्मी उनकी वो असल जैसे हमारी वाली मम्मी होती है, वो वाली मम्मी नहीं, जो डेड बॉडीज होती थी उनके राजाओं की, उसे ही हम लोग क्या बोल देते थे, मम्मी। जिनको आपने मूवीज या कार्टून शो में देखा होगा, इन्हें हम लोग मम्मीज बोलते हैं। तो ये जो मम्मी थी उनकी, उससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें साइंटिस्ट को जानने को मिली, और बहुत इंटरेस्टिंग हमें फैक्ट भी पता चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 5 जनवरी 2005 से, और लगभग शाम के 6 बज रहे थे। जो तूतनखामून की बॉडी थी उसे सीटी स्कैनर के अंदर, सीटी स्कैनर एक मशीन होती है जस्ट लाइक एक्सरे, जिसके अंदर पूरे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें उन्हें स्कैन कर लिया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, तो उसके थ्रू उनकी बॉडी को स्कैन करा जा रहा था। तूतनखामून की जो बॉडी थी ये बहुत सालों बाद स्कैन हो रही थी, और इसको स्कैन करने का रीज़न क्या था ये जानना था सबको। जितने भी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे और जितने भी रिसर्चर्स थे, उन्हें ये जानना था कि आखिर तूतनखामून की जो डेथ हुई है उसके पीछे क्या मिस्ट्री है। तूतनखामून बहुत ही यंग एज के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, तो वही वो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तूतनखामून की डेथ हुई थी लगभग 3300 साल पहले। जो उनकी बॉडी थी उसके साथ साथ बहुत सारी नई और अच्छी चीज़ें भी देखने को और जानने को लोगों को मिल रही थी। जो उनकी बॉडी थी वो रॉयल ग्रेव इन द वैली ऑफ द किंग्स के अंदर मिली थी। तो यहाँ पर क्या था, जो और भी राजा थे उनको भी वहीं पर दफनाया जाता था, उन्हीं के साथ उनकी बॉडी मिली थी, और उनकी बॉडी के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली थी। अब क्या क्या मिली थी हमें पता चलेगा। अब इन सब चीज़ों को खोजने में, रिसर्च करने में किसका हाथ था, हावर्ड कार्टर। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्चर्स थे, लेकिन हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब यही होता है जो इन सब चीज़ों को ढूंढते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों को, तो वो यही कर रहे थे। उन्होंने डिस्कवर करा था टूथ, मतलब जो तूतनखामून है इनकी जो टोम्ब है, इसको डिस्कवर करा था 1922 के अंदर, 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्च। तो उन्होंने बहुत साल तक इसकी खोज करी। जो इनके कंटेंट थे वो वैसे के वैसे ही पाए गए थे, ऐसा नहीं था कि कुछ भी छेड़ाखानी हुई थी तूतनखामून की टोम्ब के साथ, वो वैसी की वैसी ही थी। साथ ही में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिली थी। अब ये सोचो कि जहाँ पर तूतनखामून को दफनाया गया था, जो उनका मम्मी था, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सोच भी नहीं सकते आप। बोर्ड गेम्स, ब्रोंज का रेजर, लिनियन गारमेंट्स, लिनन के जो गारमेंट्स होते हैं वो, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाने पीने की चीज़ें। अरे मरे हुए इंसान को खाने पीने की चीज़ों की क्या ज़रूरत है, और ना जाने क्या क्या चीज़ें उनके साथ देखने को मिली थी। कार्टर फर्स्ट रिकॉर्डेड द फैरोज फ्यूनरल ट्रेजर। तो कार्टर ने क्या करा, जितनी भी फैरो के फ्यूनरल, मतलब जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उसके अंदर जो भी खजाना वगैरह उनके पास रखा गया था। तो पहले ऐसा ही होता था इजिप्ट के अंदर, जो राजा होते थे ना उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, ये सोच के कि अब वो अगले जन्म में इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो वो सारी ही सोने वोने की चीज़ें उनके साथ रख देते थे। तो ऐसा ही कार्टर को देखने को मिलता है। वो और भी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको कॉफिन्स और भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। फर्स्ट वन जो था वो एक श्राउड से कवर्ड था, गार्लैंड ऑफ विलोज एंड ऑलिव ट्रीज, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, तो इन सब चीज़ों से एक कवर था। तो इस चीज़ से ये प्रूव हो रहा था कि जो इनकी डेथ हुई थी तूतनखामून की, ये मार्च या फिर अप्रैल के अंदर हुई थी। कार्टर जो थे वो काफ़ी मुसीबत के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो रेजिन था, रेजिन मतलब कि जैसे गम होता है ना, इस टाइप का रेजिन था। तो जो रिचुअल्स, रीति रिवाज के दौरान जो रेजिन लगाया गया था मम्मी के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से जो तूतनखामून थे उनकी बॉडी बिल्कुल सीमेंट की तरह सॉलिड हो गई थी।
तो बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके चिजल्स की मदद से उनकी बॉडी को कट करा, और कार्टर के जितने भी लोग थे उन्होंने उनकी तूतनखामिन की मम्मी का जो सर था उसे भी निकाला, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उन्हें अलग अलग तरीके से हटाया और अच्छी तरीके से रख दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। तो क्या करा इन्होंने, एक वुडन बॉक्स लिया था अलग से, उसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स को इन्होंने काट काट के रखा था उन्हें वापस से जोड़ दिया और कंसील्ड कर दिया, जो भी इनके डैमेज थे उन्हें दोबारा से सही करने की कोशिश करी। द टीम ऑफ साइंटिस्ट फाउंड इट रेस्टिंग देयर। तो वहीं के वहीं पर जो उनकी बॉडी थी तूतनखामिन की, वो वहीं पर रखी हुई मिली जो साइंटिस्ट थे उन्हें बाद में। ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स, ऑब्जर्व दैट द मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर हैड डन इन द 1920s। अब 1920s के अंदर जो कार्टर ने रिसर्च करी थी, छोटे छोटे पीसेस वगैरह काट दिए थे तूतनखामिन की बॉडी के, और उनको एक अलग कॉफिन के अंदर, एक अलग वुडन बॉक्स के अंदर पैक कर दिया था, उस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन में आ गया था मम्मी। तो ये चीज़ लोगों ने ऑब्जर्व करी बाद में साइंटिस्ट ने। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेकेड्स। तो अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद जो आर्कियोलॉजी है वो धीरे धीरे करके चेंज आता गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रेजर था, पहले क्या होता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे ना वो खजाने को खोदने की तलाश में रहते थे, लेकिन अब क्या है कि अब जो आर्कियोलॉजी है उसके अंदर लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे, आखिर कैसे इस राजा की डेथ हुई, जैसे तूतनखामिन था इसकी आखिर डेथ कैसे हुई, ये सब चीज़ें जानने में लोग लगे रहते हैं। और अब जो है, अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के टूल्स आ गए हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी आजकल आर्कियोलॉजी के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी। तो 1968 के अंदर क्या होता है, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे करा था तूतनखामिन की मम्मी का, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए थे। उन्होंने जब उनकी बॉडी का एक्सरे करा, उनकी बॉडी को स्कैन करा, तो उन्हें कुछ बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। तो ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स जो थी वो मिसिंग थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी थी, लेकिन अब सिटी स्कैन जो था उससे दो सवाल के क्वेश्चंस जानना चाह रहे थे हमारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट, कि आखिर तूतनखामिन की मौत कैसे हुई थी, एंड उनकी जब डेथ हुई थी तब वो कितने साल के थे, कितनी उनकी उम्र थी। तो ये दोनों सवाल जानने की पूरी कोशिश करते हैं साइंटिस्ट। अब तूतनखामिन की बॉडी को स्कैन करने का डिसाइड करा जाता है, सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं, और तूतनखामिन की बॉडी को एक बॉक्स के अंदर से निकाला जाता है और उनको स्कैन करने की कोशिश करी जाती है। वो एक रैंप को क्लाइंब करते हैं और जो स्टेयर्स थी उनसे भी जैसे तैसे करके निकलते हैं, जो सैंड की स्टेयर्स थी, स्विल्डिंग सैंड थी, उससे भी वो निकल जाते हैं। देन दे रोज़ा हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद एक वो हाइड्रोलिक लिफ्ट निकालते हैं ट्रेलर से। द ट्रेलर हेल्ड द स्कैनर, और ट्रेलर के अंदर क्या था, स्कैनर था, मतलब जो सिटी स्कैनर होता है वो था। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि जो सैंड था वो अटक गया था कूलर फैंस के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन टेक्नीशियंस ने जब स्कैन करा अच्छे से सारी चीज़ों को, हेड से लेके टो को, तो 1700 डिजिटल एक्सरे। अब जो सिटी स्कैन की बात हो रही है ना, सिटी स्कैन के अंदर भी एक्सरे वाला ही सिस्टम होता है, लेकिन एक्सरे सिर्फ एक निकलता है, लेकिन सिटी स्कैन क्या करता है, बहुत सारे एक्सरेज एक साथ देता है। तो यहाँ पर 1700 एक्सरेज एक साथ लिए सिटी स्कैन ने, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी तूतनखामिन की ऊपर से नीचे तक लोगों ने स्कैन कर ली। 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस के अंदर रजिस्टर करा, और जो उनका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि उनकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से स्कैन करा गया। जो तूतनखामिन थी उनकी जो बॉडी थी उसको बहुत ही अच्छे से स्कैन करा गया, और फिर कुछ डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं रेडियोलॉजी के, फॉरेंसिक के और एनाटॉमी के, ये अलग अलग डॉक्टर हैं, जैसे हम लोगों के साइंस, इंग्लिश, मैथ्स के टीचर्स होते हैं ना, ऐसे रेडियोलॉजी के एक अलग डॉक्टर होते हैं, फॉरेंसिक्स के अलग होते हैं, एनाटॉमी के अलग होते हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से तूतनखामिन की जो बॉडी के सिटी स्कैन्स आए थे उनको स्टडी करा और बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करी।
एक टेक्नीशियन ने डिस्प्ले करा जो तूतनखामन थे उनकी पूरी की पूरी बॉडी को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उनका जो ग्रे हेड था वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही थी, पिक्सल्स के अंदर थोड़े से पिक्सल्स स्कैटर हो रहे थे लेकिन फिर भी अच्छे से सारी चीज़ें दिख रही थी। टेक्नीशियन स्पैन करता है उनकी बॉडी के अंदर हर जगह दिखाने की कोशिश करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें सीटी स्कैन के थ्रू नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली, जो उनकी नेक की वर्टिब्रेट्स थी वो क्लियरली दिख रही थी, और भी बहुत सारी इमेजेस के अंदर उनका हाथ और उनकी रिब केज बहुत सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही थी, यहाँ तक कि उनका जो स्कल था वो भी साफ साफ दिख रहा था। अब जही हवस थे वो स्माइल करने लगते हैं और उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद कहीं तूतनखामन की बॉडी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, कहीं उन्हें जहर देके ना मारा हो, तो उन्हें ये सब चीज़ें लग रही थी। लेकिन अब जब उनकी बॉडी के बारे में अच्छे से पढ़ा है, रिसर्च करी है, तो उन्हें लगता है कि कुछ भी उनकी बॉडी के साथ ज़्यादा गलत नहीं हुआ था। हाँ, उनकी मौत बीमारी से ज़रूर हुई थी लेकिन यहाँ पर कोई भी उनके साथ गलत हरकत नहीं हुई थी, जहर वगैरह उन्हें नहीं दिया गया था। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।